अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातमासूम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ एक अंडे और तीन स्लाइसेस के साथ बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लासिक फ्रंट टोस्ट की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। तो अगर आपके पास भी घर में एक अंडा और तीन स्लाइसेस पड़े हैं तो ये रेसिपी बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट होने वाला है और बच्चे जिस तरह से खाने में तंग करते हैं, नाश्ता नहीं करके जाते, तो ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी होने वाली है और बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक अंडा, तो इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अंडा यहाँ पे बीट करने के बाद अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी हाफ कप। तो हाफ कप दूध ऐड करने के बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं हाफ टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने रेगुलर शुगर जो है ना वो यूज किया। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें एक चुटकी नमक ऐड करेंगे। नमक मीठे को बैलेंस करने के लिए जो है ना वो ऐड किया जाता है। अब अच्छी तरह से इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। यहाँ पे एक से दो मिनट लगेंगे अगर आपकी चीनी जो है ना वो पिसी हुई है। अगर मेरी तरह की रेगुलर शुगर है तो आप तीन से चार मिनट लगेंगे। अच्छी तरह से जो है ना वो इसे बीट कर ले। एक और बात, यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने चीनी कम क्यों ऐड किया, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। मिक्सर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, साइड पे रखेंगे। और अब यहाँ पे लेंगे तीन ब्रेड के स्लाइसेस। अब यहाँ पे तीन ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। इनके कॉर्नर्स कोई रिमूव नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। और बच्चे जो कॉर्नर्स नहीं खाते वो भी इसको पूरा पीस जो है ना वो फिनिश करेंगे, बहुत ही उनको पसंद आएगा। अब इस ब्रेड के पीस को आपने इस बैटर में अच्छी तरह से डिप करना है। और साथ ही मीडियम टू लो फ्लेम पे नॉनस्टिक पैन गर्म करके थोड़ा सा बटर लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको जो है ना वो हम पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब एक साइड से हल्का सा कलर आ गया, साइड चेंज करते जाएंगे और इसको उलट पुलट करके खूबसूरत और प्यारा सा कलर आने पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी भी अब ये हो चुका है। मज़ेदार से हमारे क्लासिक फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुके हैं और हम इसे शहद के साथ सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था कि मैंने चीनी कम क्यों ऐड किया। यहाँ पे हम इसे शहद के साथ सर्व करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं शहद को। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत ही यमी है। इसका टेक्स्चर आप चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।